क्या भारत में 2 दिन बाद फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देगी? ये सवाल काफ़ी चर्चे का विषय बना हुआ है। दरअसल इस साल 25 फरवरी को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने सभी सोशल कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। इसमें भारत में अपना ऑफिस और कॉन्टैक्ट एड्रेस देना, कंप्लायंस अधिकारी की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना जैसे नियम हैं। अभी तक केवल कू नाम की कंपनी को छोड़कर किसी अन्य कंपनी ने इनमें से किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं की है। सोशल मीडिया पर पीड़ित लोगों को यह नहीं पता कि वह किससे शिकायत करे और कहाँ इनकी समस्या का समाधान होगा। कुछ प्लेटफॉर्म ने इसके लिए 6 महीने का समय मांगा है। कुछ ने कहा है कि वे अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर से निर्देशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये कंपनियां भारत में काम कर रही है, भारत से मुनाफा कमा रही है, लेकिन दिशा निर्देशों के पालन के लिए हेडक्वार्टर से हरी झंडी का इंतजार करती है। ट्विटर जैसी कंपनियां अपने खुद के फैक्ट चेकर रखती है, जिनकी न तो पहचान बताती है और न ही तरीका कि कैसे तथ्यों की जाँच की जा रही है। IT एक्ट की धारा 79 के तहत इन्हें इंटरमीडिएटरी के नाते लाइबिलिटी से छूट मिली हुई है, लेकिन इनमें से कई विषय वस्तुओं के बारे में फैसला कर रही है जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। नए नियम 26 मई 2001 से लागू होने जा रहा है। अगर ये कंपनियां इन नियमों का पालन नहीं करती है तो इनका इंटरमीडिएटरी स्टेटस छिन सकता है और ये भारत के मौजूदा कानूनों के तहत आपराधिक कार्रवाई के दायरे में आ सकती है।